सरकार के द्वारा जनजातीय लोगों के उत्थान के लिए तमाम जनहितैषी योजनाएं चला रही हैं, लेकिन कुछ विकृत मानसिकता के लोग इनके हक और अधिकारों को छीनने के लिए किसी भी हद तक गुजरने से परहेज नहीं करते। इस तरह का मामला बैराड तहसील के ग्राम नैनागढ़ की रहने वाली 69 वर्षीय दोजो आदिवासी का सामने आया है। आपको बता दें कि यहाँ पर अज्ञान और अर्पण होने की वजह से ये विक्रय से वर्जित भूमि को बिना कलेक्टर की परमिशन के धाकड़ से कूट रचित दस्तावेज से आदिवासी बनकर अभय पुत्र हाकिम धाकड़ निवासी दुल्हारा ने हड़प ली थी। महिला विगत 7 सालों से अपनी जमीन को पाने के लिए संघर्ष कर रही थी। अब इस मामले की शिकायत पौरी SDM राजन वी नाडिया तक पहुंची तो उन्होंने परत दर परत मामले की जांच की, दस्तावेजों का अवलोकन किया कि तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। SDM नाडिया के द्वारा जांच में पाया गया कि वास्तविक रूप से ग्राम नैनागढ़ में सर्वे क्रमांक 216 रकवा 0.85 हेक्टेयर की भूमि दोजो आदिवासी की है, जिसे डरा धमका कर अभय पुत्र हाकिम धाकड़ ने कूट रचित दस्तावेज तैयार कर अपने नाम साल 2014 में करा ली, जबकि साल 2015 में इसका नामांतरण भी हो गया। जांच के दौरान पाया गया कि वर्तमान में कंप्यूटर अभिलेख में अभय पुत्र हाकिम जाति सिहर पता शिवपुरी मध्य प्रदेश के नाम भूमि स्वामित्व दर्ज है, जबकि अधिकार अभिलेख में ये भूमि नौनतिया पुत्र चौखरिया सिहा निवासी दुल्हारा के नाम दर्ज है। वर्तमान में भूमि पर नरेश हाकिम पुत्रगण वंश धाकड़ जाति के रार काबिज होकर खेती कर रहे हैं। जांच के बाद SDM राजन भी नाडिया के द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1949 की धारा 170 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ग्राम नैनागढ़ में स्थित भूमि सर्वे नंबर 216 रकवा 0.85 हेक्टेयर के उप पंजीय कार्यालय पहरी के द्वारा किए गए विक्रय पत्र के आधार पर किए गए अंतरण को शून्य घोषित कर दिया गया है। साथ ही तहसीलदार बैराड की नामांतरण पंजी से भूमि के विक्रय नामांतरण को अपास्त किया है। भूमि को धोखाधड़ी कर अभय सहित तहसीलदार उप पंजीयक पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज कर FIR की प्रति कार्यालय में भेजे। कुछ जो अन्य समाज के लोग हैं उन्होंने फर्जी तरीके से आदिवासी बन के पश्चिम नाम पर करा दिया है। तो फिर शिकायत की गई जाँच कराई गई, जाँच की गई, जाँच में पाया गया कि उसकी बात सही थी। तो धाकड़ समुदाय के लोग थे जो जब अपने आपको आदिवासी बता के उन्होंने जो रजिस्ट्री करा दी थी उसमें कुछ जवाब भी थे। जाने वाली बात तब सिद्ध हो चुका है तो फिर जमीन रजिस्ट्री पर शून्य घोषित किया गया जाँच करने के बाद में, तो वापस वो जमीन उन आदिवासी जो घोषित थे उसके नाम पर वापस जमीन दी गई है। जो दोषी लोग थे पटवारी थे उसको निलंबित किया जा चुका है, तो बाकी दोषी उस पर कार्रवाई की जाती है। सर किस किस पर इस मामले में कार्रवाई की गई? पहले तो जो आदमी था अभय नाम के व्यक्ति था